नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल क्विक स्टडी किंग पर। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के क्वेश्चंस की। तो दोस्तों वीडियो को लास्ट तक देखना क्योंकि सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। और दोस्तों लास्ट में हम 2 से 3 पेज के शॉर्ट नोट्स भी डिस्कस करेंगे जिससे आपको किसी प्रकार का कोई डाउट ना रहे। दोस्तों इससे पहले मैंने आपके लिए कंप्यूटर जनरल साइंस और करंट अफेयर इनका वीडियो दोस्तों मैं पहले ही अपलोड कर चुका हूँ, आप अपने चैनल पर जाकर उन्हें भी देख सकते हैं। और दोस्तों हमारे न्यू अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। तो चलो दोस्तों शुरू करते हैं वीडियो। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हवाई जहाज़ के ब्लैक बॉक्स का रंग क्या होता है? दोस्तों ये होता है ऑप्शन डी, नारंगी। साथ में दोस्तों हमें ध्यान रखनी है ब्लैक बॉक्स के बारे में कुछ चीज़ें, वो है ब्लैक बॉक्स का जो यूज होता है वो होता है विमान से जुड़ी गतिविधियों को रिकॉर्ड करने के लिए ये उपकरण काम में लिया जाता है, इसे क्या बोलते हैं, इसलिए इसे फ्लाइट डाटा रिकॉर्डर भी कहा जाता है। और दोस्तों ये काफ़ी मजबूत धातु का बनाया जाता है, टाइटेनियम का, क्योंकि यदि हवाई जहाज को किसी प्रकार की क्षति पहुंचती है तो ये सुरक्षित रहे। तो दोस्तों यहाँ पे 3 बातें जो हमें ध्यान रखनी है कि इसे फ्लाइट डाटा रिकॉर्डर कहा जाता है, गतिविधियों को रिकॉर्ड करने के ये काम में आता है, और इसका रंग क्या होता है, गहरा नारंगी। ठीक है दोस्तों, तीनों चीज़ें हमें अच्छे से ध्यान रखनी है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय मिशन आदित्य L1 का संबंध निम्न में से किससे है? तो दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर है हमारा ऑप्शन बी, सूर्य से। तो दोस्तों आदित्य मिशन के बारे में हम कुछ याद रखनी है वो हम देख लेते हैं। तो दोस्तों सबसे पहली बात जो हमें ध्यान रखनी है कि ये इसका आदित्य मिशन है, ये सूर्य के अध्ययन करने के लिए इसको बनाया गया था, जो कोरोनोग्राफ यंत्र की मदद से सूर्य की किसका बाह्य परत का अध्ययन करेगा। और दोस्तों थर्ड बात जो याद रखनी है कि 2019 से 2020 के आसपास इसको लॉन्च किया जाएगा, और ये भारत का पहला अंतरिक्ष मिशन है जो सूर्य का अध्ययन करने जा रहा है। ठीक है दोस्तों, तो ये चारों बातें हमें अच्छे से याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव द्वारा बनाए गए उपग्रह स्थापित होते हैं? तो ये स्थापित होते हैं ऑप्शन डी, थर्मोस्फीयर में। तो देखते हैं दोस्तों, तो ये जो हमें यहाँ पे ध्यान रखनी है कि थर्मोस्फीयर होता है ये 80 किलोमीटर से लेकर 640 किलोमीटर तक वायुयान का विस्तार है, और जो मानव द्वारा बनाए गए जो उपग्रह स्थापित होते हैं वो किस में होते हैं, थर्मोस्फीयर में, या तो ये आपके स्पेस शटल हो या सैटेलाइट हो, ये दोनों ही थर्मोस्फीयर में स्थापित किए जाते हैं। ये बातें आपको अच्छे से ध्यान रखनी है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गगन इसरो का एक उपग्रह का एक पूर्ण रूप क्या है, ये पूछा गया है। तो दोस्तों ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, हम देखते हैं, इसका आंसर है ऑप्शन ए, GPS एडेड जियो संबंधित ऑगमेंटेड नेविगेशन। दोस्तों गगन के बारे में आपको कुछ चीज़ें याद रखनी है जो एग्जाम में पूछी जा सकती है, देखते हैं दोस्तों उनको भी। तो जो सबसे पहली चीज़ है वो पूछी जा सकती है, जो अभी हमारा क्वेश्चन था कि इसका पूर्ण रूप क्या है, तो GPS एडेड जियो ऑगमेंटेड नेविगेशन, ठीक है। और दोस्तों सेकंड क्वेश्चन जो यहाँ से पूछा जा सकता है कि किसके द्वारा इसको बनाया गया है, तो ये हमें ध्यान रखना है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया और इसरो के द्वारा, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया और इसरो के द्वारा इसे मिलकर इसे तैयार किया गया है। और साथ में एक चीज़ इम्पोर्टेंट और है जो हमें ध्यान रखनी है इसमें, कि अमेरिका रूस और यूरोप के बाद, अमेरिका रूस और यूरोप के बाद भारत चौथा देश है जो इस तरीके की सुविधा को जिसने शुरू किया है। ठीक है दोस्तों, साथ में डेट भी याद रखनी है, 10 अगस्त 2010 को। ठीक है दोस्तों, कौन सा देश है, चौथा, अमेरिका रूस और यूरोप के बाद, और जो इसका पूर्ण रूप है वो क्या है, GPS एडेड जियो ऑगमेंटेड नेविगेशन, जिसे एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया और इसरो द्वारा मिलकर तैयार किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, इसरो के वाणिज्यिक शाखा का नाम है? तो दोस्तों ये है
ऑप्शन डी एंट्रिक्स, इंग्लिश में ध्यान रखना है, क्या नाम है, एंट्रिक्स। इसके बारे में देख लेते हैं दोस्तों, इसके क्या इसका कार्य है। तो हम देखते हैं कि जो एंट्रिक्स कॉरपोरेशन लिमिटेड है, ये भारत सरकार की एक पूर्ण स्वामित्व वाली कंपनी है, जिसको 1992 में स्थापित किया गया था। और जो इसका कार्य है वो है अंतरिक्ष उत्पादों सेवाओं और जो इसरो द्वारा विकसित जितनी भी जो टेक्निक्स होती हैं उनका हस्तांतरण और उनका वाणिज्यिक दोहन एवं प्रचार प्रसार करना। ठीक है दोस्तों, ये हमें अच्छे से ध्यान रखनी है सारी चीज़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, IRS श्रृंखला उपग्रह डैश के लिए उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों इसका आंसर है आपका ऑप्शन डी, सुदूर संवेदन उपग्रह के लिए। तो दोस्तों हम देखते हैं IRS श्रृंखला के बारे में कुछ। तो दोस्तों सबसे पहले हम देखते हैं कि जो इसरो की दो प्रमुख अंतरिक्ष प्रणालियां हैं, दो हैं, जिनमें एक है इनसेट और दूसरे का नाम है IRS। IRS मतलब इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट, और एक है इनसेट। तो जो इनसेट का कार्य है वो है संचार, टेलीविजन प्रसारण और मौसम संबंधी सेवाएं प्रोवाइड करवाना। और जो IRS का कार्य है वो है संसाधनों की मॉनिटरिंग और प्रबंधन के लिए। ठीक है दोस्तों, ये दोनों चीज़ें हमें ध्यान रखनी है, इनसेट का कार्य क्या है और IRS का कार्य क्या है। और जो इनसेट है ये जियो स्टेशनरी उपग्रह से संबंधित है, और जबकि जो IRS है वो अर्थ ऑब्जर्वेटरी से संबंधित है उसके उपग्रह। ठीक है दोस्तों, ये सारी चीज़ें अच्छे से ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रॉकेट में इस्तेमाल किया जाता है। तो रॉकेट में इस्तेमाल किया जाता है, इसका आंसर है दोस्तों आपका ऑप्शन ए, दोनों ठोस एवं द्रुत तरल प्रणोदक। तो देखते हैं दोस्तों इसके बारे में, तो जो तरल के रूप में है आपको ध्यान रखना है, जो यहाँ पे लिक्विड के रूप में जो काम में लिया जाता है वो है हाइड्रोजन, और ठोस प्रोपालेंट काम में लिया जाता है। ठीक है दोस्तों, और साथ में एक चीज़ आपको और ध्यान रखनी है कि जो रॉकेट है वो न्यूटन के गति के तीसरे नियम पर कार्य करता है, जो क्या है, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। ठीक है दोस्तों, ये सारी चीज़ें अच्छे से ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एस्केट सेट के लिए एक उपग्रह है। तो एस्केट सेट किसके लिए है दोस्तों, इसका आंसर है आपका ऑप्शन बी, मौसम पूर्वानुमान के लिए। तो देखते हैं दोस्तों इसके बारे में, तो जो एस्केट सेट बने वो एक लघु उपग्रह है, जो भारत के लिए मौसम पूर्वानुमान, चक्रवात की भविष्यवाणी, ट्रैफिक सेवाएं प्रदान करेगा। और दोस्तों एक चीज़ और ध्यान रखनी है, जो ये एस्केट सेट बने ये ओसन सेट 2 की जगह लेगा। ठीक है, ये भी हमें ध्यान रखना है, किसकी जगह लेगा, ओसन सेट 2 की जगह। और इसे कब लॉन्च किया गया था, 26 सितंबर 2016 को सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से। ठीक है, ये सारी बातें अच्छे से ध्यान रखनी है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, PSLV C-37 के द्वारा एक ही उड़ान में 15 फरवरी 2017 को सफलतापूर्वक कितने उपग्रह प्रमोचित किए गए। तो दोस्तों ये क्वेश्चन एग्जाम में 2018 में भी काफ़ी एग्जामों में पूछा जा चुका है। तो दोस्तों इसके बारे में हमें काफ़ी चीज़ें जो याद रखनी है वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो इसका आंसर है दोस्तों, कितने उपग्रह प्रमोचित किए गए थे, ऑप्शन डी 104 उपग्रह। तो दोस्तों इसके बारे में कुछ चीज़ें जो ध्यान रखनी है हमें, कि PSLV है ये इसरो के द्वारा संचालित PSLV श्रृंखला का एक उपग्रह है, लॉन्च व्हीकल है ये, जो 15 फरवरी 2017 को 104 उपग्रहों को जिसने पृथ्वी की कक्षा में स्थापित करके एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था। तो दोस्तों यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट चीज़ें जो सारी हमें ध्यान रखनी है, राजस्थान SI में क्वेश्चन पूछा गया था PSLV C-37 को लेकर। दोस्तों डेट को लेकर भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है।
पीएसएलवी C-37 के द्वारा इसे लॉन्च किया गया था 15 फरवरी 2017 को, और कितने उपग्रह? 104 उपग्रह प्रमोचित किए गए थे। और दोस्तों एक चीज़ जो पूछी जा चुकी है, ये रिकॉर्ड पहले रूस के नाम था, ठीक है, अब ये भारत के नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सौरमंडल के बाहर भेजा गया प्रथम अंतरिक्ष यान था? तो दोस्तों इसका आंसर है आपका ऑप्शन ए, पायोनियर 10। तो कुछ बातें देख लेते हैं दोस्तों पायोनियर 10 के बारे में। तो दोस्तों ये पायोनियर 10 है, ये 1972 को लॉन्च किया गया था नासा द्वारा, जो हमारे सौरमंडल के क्षुद्र ग्रह यानी कि एस्टेरॉयड बेल्ट, क्षुद्र ग्रह घेरे को मतलब एस्टेरॉयड बेल्ट को पार करके मानवकृत यान बना था, ठीक है दोस्तों, यान याद रखना है पायोनियर 10 जो सौरमंडल के बाहर भेजा गया प्रथम अंतरिक्ष यान था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, कृत्रिम बुद्धि के साथ अंतरिक्ष में उड़ने वाला पहला रोबोट है? तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन सी, साइमन। तो देख लेते हैं दोस्तों कि जो साइमन है ये कजाकिस्तान के बायोकुर लॉन्च स्टेशन से रूस के सोयूज रॉकेट, कौन से रॉकेट ने? रूस के सोयूज रॉकेट ने एकदम सटीक उड़ान भरी थी, जिसमें 3 क्रू सदस्य के साथ एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लैब रोबोट भी था, ठीक है दोस्तों, ये सारी बातें ध्यान रखनी है, जिसमें से हमें याद रखना है कृत्रिम बुद्धि के साथ अंतरिक्ष में उड़ने वाला पहला रोबोट कौन सा था? साइमन, जिसने 3 क्रू सदस्य के साथ अंतरिक्ष में कदम रखा था, और ये किसने भेजा था? रूस ने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरिक्ष विभाग का मुख्यालय कहाँ स्थापित है? तो अंतरिक्ष विभाग का मुख्यालय ऑप्शन बी, बेंगलुरु में। तो देख लेते हैं दोस्तों अंतरिक्ष विभाग के बारे में, तो ये आपको ध्यान रखनी है इसमें दो चीज़ें, कि बेंगलुरु में अंतरिक्ष विभाग का मुख्यालय और इसरो का मुख्यालय, दोनों का मुख्यालय कहाँ पर है आपके? बेंगलुरु में। दोस्तों इसरो को लेकर और इसरो से जुड़ी जितनी भी संस्थाएं हैं उनके हेडक्वार्टर्स दोस्तों एग्जाम में काफ़ी पूछे जाते हैं, तो आपको ये सारी चीज़ें अच्छे से ध्यान रखनी है, मैं यहाँ पे आपको सारी चीज़ें डिस्कस करते हुए चलेंगे अपन। तो अंतरिक्ष विभाग का सचिवालय कहाँ पर है? अंतरिक्ष विभाग का सचिवालय और इसरो का मुख्यालय बेंगलुरु में, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संघ किस वर्ष में स्थापित हुआ? तो दोस्तों ये स्थापित हुआ है आपके, इसरो की बात पूछी जा रही है यहाँ पे कि इसरो को कब स्थापित किया गया, तो ये किया गया है ऑप्शन बी, 1969 में। तो देख लेते हैं दोस्तों इसके बारे में, इसे 15 अगस्त 1969 में स्थापित किया गया था, जिसे हमारे प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और उनके करीबी वैज्ञानिक थे, करीबी सहयोगी और वैज्ञानिक विक्रम अम्बालाल साराभाई, जिन्हें भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का पिता भी कहा जाता है, उनके द्वारा ये इसको स्थापित किया गया था, जिसका मुख्यालय हम थोड़ी देर पहले भी देख चुके हैं कहाँ पर है, बेंगलुरु में इसका मुख्यालय है, ठीक है दोस्तों। ये सारी चीज़ें अच्छे से ध्यान रखनी है कि इसे अम्बालाल साराभाई और जवाहरलाल नेहरू ने इसे स्थापित किया था, जिसका मुख्यालय कहाँ पर है, इसका मुख्यालय बेंगलुरु कर्नाटक में, और डेट है 15 अगस्त 1969, ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों, नेशनल रिमोट सेंसिंग एजेंसी कहाँ स्थित है? तो दोस्तों ये स्थित है आपके ऑप्शन ए, हैदराबाद में। तो दोस्तों देखते हैं नेशनल रिमोट सेंसिंग एजेंसी के बारे में, तो नेशनल रिमोट सेंसिंग एजेंसी भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का एक प्रमुख केंद्र है, यह हैदराबाद में स्थित है। यहाँ उपग्रहों पर दोस्तों इसका जो कार्य है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, कि यहाँ पर उपग्रह पर निगरानी के लिए निगरानी और लिए गए चित्रों को उपयोगकर्ताओं और जनसामान्य तक यहाँ पर
पहुंचाने का कार्य किया जाता है। ठीक है दोस्तों, जो इसका कार्य है वो है उपग्रहों पर निगरानी और लिए गए चित्रों को उपयोगकर्ताओं एवं जनसामान्य तक पहुंचाने का। ठीक है दोस्तों, तो सारी चीज़ें ध्यान रखनी है हमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अंतरिक्ष में भेजा गया भारत का प्रथम उपग्रह है। तो यह है दोस्तों ऑप्शन सी, आर्यभट्ट। तो दोस्तों देख लेते हैं इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें कि हमें दोस्तों इसके बारे में सबसे पहले तो डेट याद रखनी है कि ये 19 अप्रैल 1975 को भारत ने अपना पहला उपग्रह आर्यभट्ट लॉन्च किया था। और ये जो आर्यभट्ट उपग्रह है यह सोवियत संघ के कॉस्मोस रॉकेट, कौन से कॉस्मोस रॉकेट की मदद से भेजा गया था। ये दोनों बातें दोस्तों अच्छे से ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, राजस्थान में सौर वेधशाला स्थित है। तो दोस्तों इसका आंसर है आपका ऑप्शन डी, उदयपुर। तो दोस्तों इसके बारे में कुछ चीज़ें हम देख लेते हैं, ये आपके राजस्थान में उदयपुर में ये सौर वेधशाला स्थित है जो किसके पास है, फतेह सागर झील के पास। झील भी हमें ध्यान रखनी है, कौन सी झील के पास है, फतेह सागर झील के पास में। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश को भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के पिता कहते हैं। तो दोस्तों ये है इसका आंसर है आपका ऑप्शन सी, विक्रम अंबालाल साराभाई। ठीक है दोस्तों, नाम अच्छे से ध्यान रखना है, विक्रम अंबालाल साराभाई। दोस्तों इन्हें भारतीय वैज्ञानिक और खोजकर्ता थे ये, जिन्हें विक्रम साराभाई को अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक माना जाता है। तो दोस्तों नाम को लेकर आपको कंफ्यूज नहीं होना है, विक्रम अम्बालाल साराभाई, डॉक्टर बी आर साराभाई भी बोलते थे इन्हें, लेकिन आपको नाम को लेकर बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होना, डॉक्टर विक्रम साराभाई या डॉक्टर, इनका पूरा नाम है डॉक्टर अम्बालाल साराभाई। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एक भू स्थिर उपग्रह का काल होता है। तो दोस्तों ये होता है 24 आवर, क्योंकि इसकी जो गति होती है वो पृथ्वी की गति के समान होती है। ठीक है दोस्तों, तो ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है, एक भू स्थिर उपग्रह का काल कितना होता है, 24 आवर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसरो की मास्टर कंट्रोल सुविधा हासन में है जो अवस्थित है। तो ये अवस्थित है आपके, आसन कहाँ पर स्थित है आपके, ऑप्शन डी कर्नाटक में, यहाँ पर क्या है मास्टर कंट्रोल सुविधा। तो देख लेते हैं दोस्तों मास्टर कंट्रोल सुविधा के बारे में कुछ चीज़ें। तो दोस्तों ये मास्टर कंट्रोल सुविधा है, इसरो की मास्टर कंट्रोल सुविधा कर्नाटक के हासन शहर में स्थित है। ठीक है दोस्तों, हासन शहर में स्थित है, जिसे 1982 में स्थापित किया गया था, जिसका कार्य देख दोस्तों, इनका कार्य काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इसका कार्य है उपग्रहों की निगरानी एवं नियंत्रण, उपग्रहों की निगरानी एवं नियंत्रण। दोस्तों एक और मास्टर कंट्रोल सुविधा है जो कहाँ पर है, भोपाल में, जिसे 2005 में स्थापित किया गया था। तो दोस्तों ये कर्नाटक हासन के साथ साथ कहाँ पर है, भोपाल में भी है। तो यहाँ पर आपको इस तरीके से यदि ऑप्शन पूछे जाते हैं तो आपको कन्फ्यूज नहीं होना है, वहाँ पर आपको ध्यान रखना है, जो कर्नाटक हकी हासन है या कर्नाटक के हासन में जो मास्टर कंट्रोल सुविधा बनाई गई थी वो काफ़ी पुरानी थी 1982 की, और जो अभी नई है वो है 2005 में भोपाल में स्थापित की गई है। ठीक है दोस्तों, जिसका कार्य है उपग्रहों की निगरानी एवं नियंत्रण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृत्रिम उपग्रह प्रक्षेपण करने वाला प्रथम देश कौन था। तो ये था दोस्तों ऑप्शन बी, रूस। देख लेते हैं दोस्तों इसने कौन सा उपग्रह प्रक्षेपित किया था। तो ये हमको ध्यान रखना है कि 1957 में रूस ने प्रथम कृत्रिम उपग्रह स्पूतनिक वन अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया था। रूस ने किया था 1957 में स्पूतनिक वन, नाम काफ़ी इंपॉर्टेंट है स्पूतनिक वन। ये दोस्तों और यदि हम भारत की बात करें तो भारत ने अपना जो प्रथम कृत्रिम उपग्रह जो छोड़ा है वो है 19 अगस्त 1975 को।
जो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं आर्यभट्ट, जो रूस की मदद से छोड़ा गया था। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंगल ग्रह से संबंधित भारतीय अंतरिक्ष अभियान मॉम को कहा गया है, जिसका तात्पर्य है। तो दोस्तों इसका आंसर है आपका मार्स ऑर्बिटर मिशन। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये मॉम से दोस्तों एग्जाम में काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसे मंगलयान बोला जाता था। ठीक है दोस्तों, तो इसके बारे में हम कुछ चीजें जान लेते हैं कि दोस्तों जो ये मंगलयान है, ये दोस्तों भारत का प्रथम मंगल अभियान था, जिसे दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट है पीएसएलवी सी ट्वेंटी फाइव का इस्तेमाल करके भेजा गया था। और दोस्तों ये वर्ल्ड का सबसे सस्ता मिशन है जो मंगल पर भेजा गया था। और साथ में दोस्तों आपको एक बात और ध्यान रखनी है कि इस तरीके का मिशन भेजने वाला भारत एशिया का प्रथम देश है, क्योंकि इससे पहले चीन और जापान ने कोशिश की थी लेकिन वो असफल रहे थे। तो इस तरीके के मिशन में कामयाब होने वाला भारत एशिया का प्रथम देश है। ठीक है दोस्तों, सारी चीज़ें हमें ध्यान रखनी है। PSLV C-35 के द्वारा छोड़ा गया था, मार्स ऑर्बिटर मिशन इसका पूरा नाम है, और चीन और जापान इससे पहले कोशिश कर चुके हैं और कामयाब नहीं हुए हैं। तो भारत एशिया का प्रथम देश है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय अंतरिक्ष विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है आपके ऑप्शन डी तिरुवनंतपुरम में। ठीक है दोस्तों, कहाँ स्थित है? तिरुवनंतपुरम में। तो हम देख लेते हैं दोस्तों इसके बारे में, भारतीय अंतरिक्ष विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान IIST भारत एवं एशिया। ध्यान रखना है दोस्तों, ये भारत एवं एशिया का प्रथम अंतरिक्ष विश्वविद्यालय है, IIST भारतीय अंतरिक्ष विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान, एशिया का प्रथम अंतरिक्ष विश्वविद्यालय है ये, जो कहाँ पर है? तिरुवनंतपुरम में। कहाँ पर है? तिरुवनंतपुरम, जिसकी स्थापना 14 सितंबर 2007 में की गई थी, गणेश चतुर्थी के पावन अवसर पर। ठीक है दोस्तों, ये सारी चीज़ें अच्छे से ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के चंद्र मिशन के अंतरिक्ष यान का नाम है? तो दोस्तों इसका आंसर है आपका ऑप्शन ए चंद्रयान 1। तो दोस्तों इसके बारे में हम देख लेते हैं कि चंद्रयान 1 है ये 22 अक्टूबर 2008 को श्रीहरिकोटा सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से प्रमोचित किया गया था। और दोस्तों ये आपको एक दोस्तों जो काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ध्यान रखनी है कि ये चंद्रयान 1 है, ये इसने ही पहली बार चांद पर पानी की खोज की थी। किसने की थी? चंद्रयान 1 ने। और दोस्तों जो अगला मिशन है चंद्रयान 2 वो 2019 को भेजा जाएगा। ठीक है दोस्तों, तीनों चीज़ें अच्छे से ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित सिद्धांत पर रॉकेट कार्य करता है? तो दोस्तों इससे पहले हम देख चुके हैं न्यूटन के थर्ड लॉ पर कार्य करता है, क्रिया प्रतिक्रिया पर, साथ में ये संवेग संरक्षण के नियम का भी पालन करता है। ठीक है दोस्तों, तो ये बातें हमें ध्यान रखनी है अच्छे से, ये हम पहले भी देख चुके हैं कि ये न्यूटन के गति के तीसरे नियम क्रिया प्रतिक्रिया के नियम पर आधारित है, साथ में संवेग संरक्षण के नियम का भी पालन करता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत का पहला संचालन उपग्रह IRNSS-1A कहाँ से छोड़ा गया था? तो दोस्तों इसका आंसर है आपका ऑप्शन ए श्रीहरिकोटा, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से इसे छोड़ा गया था। तो दोस्तों इसके बारे में हम कुछ चीज़ें जान लेते हैं। दोस्तों जो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से इसको छोड़ा गया था IRNSS को 2013 को,
और दोस्तों जो हमें इम्पोर्टेंट चीज़ें जो याद रखनी है इसके अलावा वो है जो IRNSS है, इसका दोस्तों जो पूर्ण रूप है वो है इंडियन रीजनल नेविगेशनल सैटेलाइट सिस्टम। ठीक है दोस्तों, इंडियन रीजनल नेविगेशनल सैटेलाइट सिस्टम दोस्तों, इसे इसरो के द्वारा इसे विकसित किया गया था और यह एक नौवहन प्रणाली है। क्या है दोस्तों? नौवहन प्रणाली, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका नाम है जो मछुआरों को समर्पित करते हुए नाविक रखा है। ठीक है दोस्तों, नाविक रखा है जिसमें 9 उपग्रह छोड़े जाएंगे। ठीक है दोस्तों, ये सारी चीज़ें ध्यान रखनी है कि 9 उपग्रह छोड़े जाएंगे। इसका पूर्ण रूप है इंडियन रीजनल नेविगेशनल सैटेलाइट सिस्टम। ठीक है दोस्तों, तो ये सारी बातें हमें ध्यान रखनी है। और इसका नाम क्या रखा गया था नरेंद्र मोदी द्वारा? नाविक। ठीक है दोस्तों, नाभिक इसे नाम दिया गया था। नेक्स्ट देख लेते हैं दोस्तों, अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम अंतरिक्ष यात्री कौन था? तो दोस्तों ये था ऑप्शन ए, यूरी गागरिन। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों इसी की तरह हमें और भी चीज़ें याद रखनी है कि अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम इंसान है यूरी गागरिन, अंतरिक्ष में जाने वाला जो प्रथम स्पेस डॉग है वो है लाइका, और अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम महिला है वो है वैलेंटिना तेरेस्कोवा, और अंतरिक्ष में जाने वाला पहला भारतीय है वो है राकेश शर्मा, और चांद पर कदम रखने वाला पहला इंसान है नील आर्मस्ट्रांग। तो दोस्तों अब हम डिस्कस करते हैं शॉर्ट नोट्स को। ज़्यादातर चीज़ें हमने क्वेश्चन आंसर्स के माध्यम से कवर कर ली है, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो हम शॉर्ट नोट्स में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों हम कुछ चीज़ें देख लेते हैं यहाँ पर। अपोलो 11 है वो क्या है? तो दोस्तों अपोलो 11 से इंसान ने पहली बार चंद्रमा पर कदम रखा, जिसमें नील आर्मस्ट्रांग और उनके साथी एडविन एल्ड्रिन। दोस्तों ये भी अच्छे से ध्यान रखना है, क्योंकि एग्जाम में काफ़ी पूछा जाता है कि चांद पर कदम रखने वाला दूसरा व्यक्ति कौन था, क्योंकि नील आर्मस्ट्रांग को सब जानते हैं। तो आपको ये भी अच्छे से नाम ध्यान रखना है कि एडविन एल्ड्रिन, जिन्होंने, और डेट भी याद रखनी है 1969 को, 1969 को ये चांद पर उतरे थे। यह संयुक्त राज्य अमेरिका का मिशन मानव इतिहास के लिए एक बड़ी उपलब्धि देखा जा रहा है। ठीक है दोस्तों, तो हमें ध्यान रखना है कि अपोलो 11 के माध्यम से ये गए थे चांद पर सबसे पहले, जिसमें नील आर्मस्ट्रांग और उनके साथी एडविन एल्ड्रिन ने कदम रखा था। ठीक है दोस्तों, अब हम देखते हैं नेक्स्ट उपग्रह कौन सा है। तो एक है दोस्तों एप्पल उपग्रह, जिसका दोस्तों पूरा नाम हम देख लेते हैं यहाँ पर, एरियल पैसेंजर पेलोड एक्सपेरिमेंट। ठीक है दोस्तों, एरियल पैसेंजर पेलोड एक्सपेरिमेंट दोस्तों ये काफ़ी पूछा जाता है एग्जाम में, एप्पल का पूर्ण रूप दोस्तों ये। और ध्यान रखना है हमें जो ये क्या था, भारत का पहला संचार उपग्रह था एप्पल। क्या था? भारत का पहला संचार उपग्रह, जिसका पूर्ण रूप है एरियल पैसेंजर पेलोड एक्सपेरिमेंट। ठीक है, जिसका इस्तेमाल टेलीविजन कार्यक्रमों और रेडियो नेटवर्किंग जैसे संचार परीक्षण के लिए किया गया। ठीक है दोस्तों, ये सारी चीज़ें ध्यान रखनी है एप्पल के बारे में। थर्ड देख लेते हैं दोस्तों रोहिणी श्रृंखला के बारे में। तो दोस्तों ये भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा ये शुरू की गई थी, इसरो के द्वारा एक उपग्रहों की ये श्रृंखला थी, जिसमें ज़्यादातर जो उपग्रह थे वो किस टाइप के थे? SLV टाइप के। आपको ध्यान रखना है रोहिणी श्रृंखला में जो ज़्यादातर उपग्रह थे वो SLV टाइप के थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट देख लेते हैं दोस्तों हम कुछ पॉइंट। अंतरिक्ष में जाने वाले दोस्तों अंतरिक्ष में जाने वाला जो पहला पशु था वो था लाइका, जो एक मादा स्वान थी। वह और किसने भेजा था दोस्तों इसको? रूस ने। ठीक है ना, रूस ने भेजा था। हमें पता है दोस्तों Sputnik 1st था वो रूस के द्वारा पहला कृत्रिम, दुनिया का पहला कृत्रिम उपग्रह था। और जो Sputnik 2nd है उसमें पहली बार उसने
माधव स्वान को भेजा था 1957 में। कब भेजा था? 1957 में, जिसका नाम था लाइका। ठीक है दोस्तों, क्या नाम था? लाइका। और स्पुतनिक वन के बारे में हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि ये सोवियत संघ द्वारा भेजा गया, 1957 में ही भेजा गया था ये भी सबसे पहला उपग्रह। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों बोस्टोक वन के बारे में। तो दोस्तों जो बोस्टोक वन है ये इतिहास में पहली उड़ान इसके द्वारा भरी गई थी, जिसमें मानव युक्त उड़ान थी। इसमें जो पहला उड़ान भरी थी यूरी गागरिन के द्वारा भरी गई थी 1961 में। ठीक है दोस्तों, इसलिए जो यूरी गागरिन थी वो अंतरिक्ष में पहुंचने वाली पहला इंसान बना था। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ यूरी गागरिन ऐसे पहले व्यक्ति बने जो अंतरिक्ष में पहली बार गए। ठीक है दोस्तों, और किसके द्वारा? बोस्टोक वन के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं। तो दोस्तों कुछ चीज़ें हैं जो एग्जाम में पूछी जाती है, जैसे कि क्रायोजेनिक्स इंजन, क्योंकि जो क्रायोजेनिक्स टेक्निक है वो रॉकेट्स में काम में ली जाती है, तो हमें इसके बारे में ध्यान रखना है क्या है। तो दोस्तों मेन चीज़ ये भौतिकी की वह शाखा है जिसमें अत्यधिक निम्न ताप जो कितना है, -250 डिग्री और उससे उत्पन्न अनुप्रयोग के बारे में अध्ययन किया जाता है। ठीक है, क्रायोजेनिक्स क्या है? जिसमें अत्यधिक निम्न ताप और उससे उत्पन्न अनुप्रयोग के बारे में अध्ययन किया जाता है। इसमें दोस्तों जो हमें ध्यान रखना है कि इसमें निम्न ताप के लिए, अत्यधिक निम्न ताप पर हाइड्रोजन का ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है, और ऑक्सीजन का दोस्तों ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि किस किस का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें हाइड्रोजन का तो ईंधन के रूप में और ऑक्सीजन का ऑक्सीकारक के रूप में प्रयोग किया जाता है। ये दोनों पॉइंट दोस्तों अच्छे से ध्यान रखने हैं। दोस्तों कुछ फुल फॉर्म यहाँ पर पूछी जाती है जो हमें अच्छे से ध्यान रखनी है कि SLV होता है सैटेलाइट लॉन्च बीकल, जिसे भारत द्वारा 18 जुलाई 1980 को भारत ने इसके द्वारा कदम रखा था। ठीक है दोस्तों, अंतरिक्ष के क्षेत्र में। नेक्स्ट है ASLV, जिसकी फुल फॉर्म होती है ऑगमेंटेड सैटेलाइट लॉन्च बीकल। नेक्स्ट है PSLV, जो होता है पोलर सैटेलाइट लॉन्च बीकल। नेक्स्ट है GSLV, जो होता है जियो साइनक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च बीकल। ठीक है दोस्तों, ये सारी चीज़ें हमें अच्छे से ध्यान रखनी है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों यहाँ पर ये हमारे शॉर्ट नोट्स फिनिश होते हैं। तो दोस्तों अगर आप इतनी चीज़ें ध्यान रखने तो आपके लिए काफ़ी सफिशियंट है। और दोस्तों इससे पहले मैं आपके लिए लगभग आपके लिए कंप्यूटर और आपके लिए जो भी इम्पोर्टेंट वीडियो हैं वो अपलोड कर चुका हूँ, आप मेरे चैनल पर जाकर उन्हें देख ले। और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आप सबका धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए।